किसी वर्ग A का विकर्ण डायगोनल m प्लस n है, उस वर्ग के विकर्ण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग से 3 गुना हो। इस वर्ग से क्या दिया इसने आपको? रेशियो दिया है। किसका दिया है? दो स्क्वेयर्स का रेशियो दिया ना, एरिया का रेशियो दिया दो स्क्वेयर्स के, यही दिया होगा ना। स्क्वेयर्स के एरिया का रेशियो है कितना है? एरिया का रेशियो। इसके डायगोनल का पूछो या इसकी भुजा का पूछो कितने का रेशियो होगा? एक का ये रेशियो है। उसके डायगोनल में रेशियो कितने का होगा? 1:3 का, यानी कितना हो जाएगा? 1 कितने के बराबर बताया उसने? m प्लस है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? m प्लस n इंटू ये किसी सम बाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल 4√3 cm² है यदि उसके एक अंत्यवर्त और एक बाह्यवर्त बनाया जाए तो उनका अक्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4, यानी उसने आपको बोला √3/4 a² बराबर है 4√3। यही बताया ना, एरिया बताया √3/4 a² इसके बराबर। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a² = 4√3 × 4/√3। वर्गमूल 3 से ए कितना हो गया? आ गई है की वैल्यू। अब यहां से मेरे को दो चीजें पता मिलेंगी, ए मिल गया तो मेरे को अब मैं क्या निकाल सकता हूं? हाइट। हाइट निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि अंत्यवर्त और बाह्यवर्त किसके ऊपर खींचे जाने हैं? हाइट के ऊपर खींचे। ठीक है, किसके ऊपर खींचे जाने हैं? हाइट के ऊपर खींचे जाने। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? अब उसकी हाइट। ठीक है, अब उसकी हाइट क्या होगी? √3/2 a। a कितना है? 4 × √3/2। आ गई हाइट, ये इसकी हाइट होगी, 2 × 4 √3। यदि अंत्यवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्या करूं? इसको 3 से भाग कर दूं। ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल ना, इंटीरियर, ठीक है, सर्कल। यदि मेरे को निकालना है बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो इसको क्या कर दूं? जो 3 से गुणा किया इसी को 2 से गुणा कर दूं। जो 3 से भाग किया इसको क्या कर दूं? 2 से गुणा कर दूं। ये उसकी त्रिज्या, दूसरे ही क्या होगी? 4√3/3। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। इसका पाई आर स्क्वेयर, ये आर आ गई आपकी, इसका स्क्वेयर कर दोगे आर का। ठीक है, आर का स्क्वेयर करोगे क्या हो जाएगा? 2√4/3/9 हो जाएगा इनटू में पाई। आ गया पहला। दूसरा, इसका स्क्वेयर करोगे 4√3/9 और इनटू में पाई। 3 × 9 कितना आ गया पहले का? 4π/3। दूसरा कितना आ जाएगा? 3 × 9 16π/3। ये दोनों क्या आ गए? एरिया। ये किसका? आउटर का। ये किसका निकल गया? दोनों का 16π/3 और 4π/3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 cm² तथा 250 cm² है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 cm है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। पहले त्रिभुज की भुजा 8 cm है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। दो आपको समरूप त्रिभुजें दे दी और दो समरूप त्रिभुजों का एरिया दे दिया। समरूप त्रिभुजों का एरिया कितना कितना है? 360। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। इसका एरिया 360 है तो इसका एरिया कितना है? 250। एरिया के बीच का रेशियो निकाल सकते हो आप कितने का है? 0 से 0 कैंसिल। कितने का एरिया का रेशियो? 36:25 हो गया। 36:25 का, जब एरिया में रेशियो 36:25 का तो भुजाओं में कितने का होगा? एरिया क्या होता है? कोई भी चीज हो उसका स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? कोई भी चीज हो उसका क्या होता है? स्क्वायर होता है, होता है ना स्क्वायर। तो भुजाओं में अनुपात कितने का होगा? ये भुजा 6 होनी चाहिए तो ये कितनी होनी चाहिए? 5। ये भुजा उसने आपको बता दी, कितनी बता दी? 8। यानी 6 अनुपात है कितने, किसके बराबर है? 5 अनुपात किसके बराबर होगा? ये बात आपसे पूछ रहे हैं। 6 अनुपात किसके बराबर है? 8 के। 1√6, 5√5। 2 तो कट गया, 2 चौके 2 × 20/3 भाग कर दो। ठीक है, 6 से ही 2/3। यदि या 8 है तो या 6 से ही 2/3 होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज, दो बराबर भुजा
और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का अक्षेत्रफल 18^5 इकाई हो तो तीसरी भुजा क्या है? तीनों भुजाएं कितनी कितनी होगी? 3:4 का। किस किस में 3:4 का अनुपात है? 2 बराबर भुजा और तीसरी भुजा। यदि 2 भुजा 3 3 तीसरी भुजा कितनी है? आगे तीनों भुजाएं, ठीक है। तो यहां पे ना वो निकालनी है तीसरी भुजा। देखो पहली भुजा 3x, दूसरी भुजा 3x और तीसरी भुजा 4x होगी तीनों की तीनों भुजाएं। अब यहां पे सबसे पहले कि अब समद्विबाहु त्रिभुज बताइए, ये नहीं बताया। अब कौन सा आधार है, कौन सा बेस है, क्या आई थे, मुझे क्या पता यार, कहां से अप्लाई करूं मैं? मुझे नहीं पता आधार क्या है, बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, क्या 1/2 BH कर देता, लेकिन पता तो नहीं है। तो यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, इसके ऊपर हीरो फार्मूला लगाऊंगा। हीरो फार्मूला क्या बोलता है, पहले क्या निकालू इसका, ठीक है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? तीनों का जोड़ बटे 2, कितना हो गया 5x, कितना हो गया अर्ध परिमाप 5x। अब एरिया कैसे निकालता हूं, 5x × 5x − 3x, 5x − 3x, 5x − 4x, और सारे का वर्गमूल कितने के बराबर है? है कितना बाहर आ जाएगा यहां से 2, और x x x 4 बार गुणा होगी तो बाहर क्या आ जाएगा, और वर्गमूल बराबर 18, वर्गमूल 5 से 5 कैंसिल, 2x² = 18x² क्या हो जाएगा 18/2, कितने पे कट जाएगा 9 पे, x = क्या हो जाएगा 3। कितनी मान रखी है तीसरी भुजा आपने, 4x, 4 थी है। उसने किया कि ये पहला कोई सा बोलिया है, हाँ पहला दो समान भुजा है, तो पहला दो समान भुजा 3 है, जिसका नाम पहला लेगा वो एगा, तो पहला अनुपात होगा ही। मैंने कहा रिन्ना और मिन्ना की आयु में 2:3 का अनुपात है, और तू मिन्ना की 3 ले ले, रिन्ना की 2 ले ले, तो उल्टा नहीं हो गया सवाल? वो एक काम कर दिया तने, ये 4 बराबर भागा में बांटेगी, 2 आ जाएगी या 2 आ जाएगी, ठीक है। अब निकल जाएगा 2 का² + 3 का² = 1/2 BH कर देंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 इकाई से बढ़ा दिया जाए तब अक्षेत्रफल 3+√3 बढ़ जाता है, 3+√3 बढ़ जाता है, यानी वर्ग स्क्वायर, वर्ग में दे रखा हो तो जो भी दे रखा हो वही उसी का वर्ग स्क्वायर, एरिया जिस प्रकार से बढ़ता है इकाई स्क्वायर बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, वर्गमूल तीन इकाई और 1 + 3√3 कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब वो बोलता है उसकी कोई भी भुजा है, यदि प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यही बात बोल ली है ना। अब सबसे पहले जो भी चीज उसने दी उठा के वही चीज हमें अप्लाई करनी है, बस समबाहु त्रिभुज। उसने आपको क्या बताया, क्या बढ़ाया है प्रत्येक भुजा को, पहले भुजा एक्स, प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया, तो 2 इकाई बढ़ा दिया तो वो भुजा कितनी कर दी उसने, होगी सारी भुजा ये। अब उसने बताया क्या आपको, एरिया, क्या बताया एरिया के बारे में, प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो एरिया इतना बढ़ जाता है। इसका एरिया तो आप निकाल सकते हो ना, कितना एरिया होगा, x² लिख दिया, सॉरी कोई बात नहीं, x² हो गया इतना एरिया। इसका एरिया होगा क्योंकि x मानना है तो x², तो इसका एरिया कितना होगा भाई, √3/4 x + 2 और इस सारे का, इसका एरिया ये होना चाहिए। अब ये एरिया में कितना ऐड करूं, ये एरिया कब बनता है, कितना बड़ा है, पहले ये भुजा थी फिर ये होगी तो एरिया इतना हो गया। ये बोला कि ये एरिया इतना ऐड करने पे कितने इकाई बढ़ गया, ये कितने इकाई, 3+√3। इसमें अगर मैं 3+√3 ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, इतना ही तो बड़ा है, होने चाहिए ना दोनों बराबर, ठीक है। यहीं से अब इसका सॉल्यूशन 4 को एलसीएम लो, ठीक है, x² से x² अपने आप कट जाएगा दोनों साइड में, जब भी इसका सॉल्यूशन करने लगोगे 4 ने एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, √3 x² + 4 √3 = 12 √3 = 4 उसको खोल दो, √3 × इसका x² + 2 √3 = 2x, 2 × 4x हो जाएगा,
चार एक्स इंटू में वर्गमूल तीन जमा में जो हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई फोर इसके भी आ जाएगा और फोर से फोर कैंसिल हो गया। अंडरूट थ्री एक्स के इस साइड भी, अंडरूट थ्री एक्स के इस साइड भी है, फोर वर्गमूल थ्री यहां पे भी है, फोर वर्गमूल थ्री यहां पे भी है, क्या बच गया? फोर वर्गमूल थ्री एक्स इजिकल टू बारह के, फोर वर्गमूल थ्री एक्स इजिकल टू बारह के, ठीक है। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? बारह बटे चार वर्गमूल तीन, कट जाएगा कितने पे? चार तीय बारह, वर्गमूल तीन पे कट जाए वर्गमूल तीन पे, तो कितना आ गया? एक्स इजिकल टू है मेरा वर्गमूल तीन। अब उसने पूछा क्या ये बताओ, एक्स ही पूछा था ना, लंबाई पूछी, प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स ही तो माननी थी हमने, एक्स कितना आ गया आपका? वर्गमूल तीन, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? वर्गमूल तीन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वेयर है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। जो ये बीच में बिंदु होता है जिससे ये होती है, ये इस बिंदु को क्या बोलते हैं पता है? बात को क्या पूछने की कोशिश कर रहा वो आप लोगों से देखो। एक तो क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं ये, एक तो माध्यिका होती है, दोनों पॉइंट किस प्रकार से होते हैं? एक तो ये होता है जो इसके एंगल को उठा के इसका पूरी की पूरी त्रिभुज का सेंटर पॉइंट होता है और इसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं। एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है जो भी ये समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा का हाफ करके, और जो ये यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट ये होता है एक पॉइंट। अरे फिर भुजा पे ये ले आओ यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होती है? ये दोनों की दोनों रेडियस होती है, ये तो रेडियस होती है इंटर सर्कल की अंत्यवृत्त की, और जो ये होती है ना ये बाह्य वृत्त की। ये किसकी रेडियस होगी? अंत्यवृत्त की, और ये किसकी रेडियस होगी? बाह्य वृत्त की। जब बाह्य वृत्त की रेडियस पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है आप लोगों से बात को डायरेक्ट बाह्य वृत्त की रेडियस पूछने की बजाय इस वर्ड में ले आए, ठीक है। एरिया आपको बता दिया कितना है, 9 वर्ग मूल 3, यहां से आप एनी का भुजा निकाल सकते हो, निकल जाएगी भुजा से बी की, ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 6। अब यहां से कंप्लीट हाइट निकाल सकते हो, 6 गुणा में वर्गमूल 3 बटे 2 कितना आएगी? 3√3। यदि ये माध्यिका पूछ रहा है तो क्या करना है? 2 से गुणा, 3 से भाग, ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये पूछ रहा होता तो क्या कर देते? सिर्फ उठा के 3 से भाग। ये बातें इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। साइड आ गई, साइड आने के बाद अगर मेरे को ये कंप्लीट हाइट तो निकालनी आती है ना, मेरे को साइड से पूरी हाइट निकाल सकता हूं ना मैं इसकी पूरी हाइट क्या होगी? 6 इंटू वर्गमूल 3 बाई 2 वर्गमूल 3 बटा 2 ए, ठीक है। हाइट कितनी होगी? 3 वर्गमूल 3। अब ये निकालनी है मेरे को, ठीक है, ये निकालनी है तो इसके लिए क्या करूं? अंत्यवृत्त की त्रिज्या गुणा में 2 बटे बाह्य वृत्त की, सॉरी बाह्य वृत्त की त्रिज्या गुणा में 2 बटे 3, अंत्यवृत्त की त्रिज्या गुणा में 1 बटा, या निकालनी होती तो गुणा में 1 बटा 3 करना था, या निकालनी है तो गुणा में 2 बटा 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब, यह है समद्विबाहु त्रिभुज, शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वेयर है? एक तो 8 आता है, 8, 6, 10। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर ये भुजा 8 होती तो बड़ी कौन सी है? ये क्या होनी चाहिए थी? 10। ये कितनी होनी चाहिए थी फिर? 6। तो ये 6 तो ये भी कितनी होनी चाहिए थी? 6। ये कितनी होनी चाहिए थी? 10। क्या इनका परिमाप 64 हो जाता? 10 और 10 20, 20 और 12 32, नहीं हुआ ना 64। दूसरा, जब यहां पे नहीं हुआ तो यहीं के ऊपर दूसरी चीज 8 और कहां आता है? 15, 17। अगर ये चीज होती मेरी 17 तो यह कितनी हो जाती? 15। तो यह भी कितनी हो जाती? 15। और यह भी कितनी हो जाती? 17। अब यह कितना हो गया? 17, 17, 34 और 30 हो गया 64। ये मिलेगी सारी चीज। आधार कितना हो गया? 15 और 15, 30। ये कितनी है? 17। हाइट कितनी है? 8। एरिया निकालना, एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस कितना है? 30। और हाइट कितनी है? 8। 2 तक 8 दो 15, 8। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुणी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? अब दो समान भुजा और आधार में कितने का अनुपात है? 5:6 का। जब 5:6 का अनुपात है
तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक 5x, दूसरी भी 5x, तीसरी सभी का जोड़ क्या होता है परिमाप, कितना हो जाएगा 16x, कितने के बराबर है, कितने के x बराबर है क्या हो जाएगा 34। आगे वैल्यू, अब यहां से हमने क्या निकाल ली भाई, भुजा निकल गई मेरी तीनों की तीनों, ठीक है ये कितनी है 34 गुणा में 5, ये कितनी है 34 गुणा में 5, ये कितनी है 34 गुणा में 6। अब आपको समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का एरिया निकालना, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब ये बेस तो मेरे को पता है कितना है 34 गुणा में 6, ये हाइट मेरे को निकालनी है, ये कितना है 34 गुणा में 5, ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हाफ कर दूंगा ठीक है, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो इसका स्क्वायर आ जाए। अब यहां पर भी एक चीज को मैं ज्यादा लंबा ना लेके जाते हुए, अब यहाँ पे 34 गुणा में 6 इसका स्क्वायर, 34 गुणा में 5 और उसका स्क्वायर, जो मेरा बेकार में मैंने फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा उस चीज से ही बचन थी, मैं 5 और 6 के हिसाब से इसका ये निकाल लेता हूँ। अगर ये 6 होता कंप्लीट तो ये कितना होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था, इसका स्क्वायर क्या हो जाता 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता 4 का, तो ये कितना होना चाहिए था 4x होना चाहिए था ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 34 गुणा में 4, तो 1/2 गुणा में 34 गुणा में 4 और ये कितनी है 34 गुणा में, यो आ गया, मैं उस कैलकुलेशन से बच गया, 2 तीसरे काट दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 34 का स्क्वायर गुणा में 12 ठीक है। अब 34 का स्क्वायर 34, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 तीये 12 दूनी 6 5 11 1156, और इसकी गुणा किसके साथ कर दूं 12 के साथ, 12 के साथ इसकी गुणा करोगे 12 छिके 72 का 2 का कितना आ गया 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 12 एकम है 12 और 6 12 एकम है, इतना स्क्वायर मीटर एरिया इसका। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है तो उसका परिमाप क्या हो सकता है, दो भुजाएं बता दी 15 और 22, अब ये तो नहीं बताया डबल कौन सी है, डबल क्या हो सकती है भाई, भुजाओं का परिमाप क्या हो सकता है, या तो एक 15 है तो दूसरी 15 और तीसरी दूसरा क्या हो सकता है, एक 15 है तो बाकी दोनों क्या हो भाई, ये हो सके परिमाप था जोड़ दो 15 15 30 और 22 है, ये होंगी तो 52 होगा, ये होगा तो 22 22 44 15। लिखो अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, त्रिभुज की भुजाओं के बीच में रेशियो है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 का रेशियो, यदि त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर 552 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखो भुजाओं में अनुपात दे दिया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यह कितनी हो जाएगी 6, या कितनी हो जाएगी, या कितनी हो जाएगी 3 ठीक है, या 6 4 3 के अनुपात में है, या 6x है तो या 4x या 3x, सारे का जोड़ 6 4 2 3 13x कितने के बराबर है 52 के ठीक है, 1x कितने के बराबर हो जाएगा 52/13 4, या 6 4 या 4 4 और या 4 3 एक त्रिभुज की तीन भुजाई है, ये त्रिभुज कैसी होगी, कोई एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं ये हैं 8 5 3, ये ट्रायंगल कैसी होगी, कोई भी त्रिभुज तब बनेगी जब नीचे वाली दोनों भुजाओं का छोटी दोनों भुजाओं का जोड़ बड़ी भुजा से बड़ा हो, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगी ठीक है। इस त्रिभुज में मेरा क्या हो जाएगा, या ले ली 8 या ले ली 5 और या 3 ली ना या डेती ये पहुंचेगी, इस त्रिभुज ने पूरा ही ना होना, इसने कोई कोई सी ले ले, या ले ले 3 ले या ले ली 3 इब या 5 वाली अड़े थी ना पहुंचे, ये त्रिभुज बनेगी ही तब जब क्या होगा छोटी दोनों का जोड़ बड़ी से ज्यादा हो ठीक है, या होती 8 5 4, अब ट्रायंगल बन जाए। किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या है, इसकी रेडियस होगी, ये सेंटर पॉइंट O है, ये तीन ट्रायंगल हो गए यहाँ पे, अब ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल है ठीक है, और ये हाइट मेरे को पता है कितनी है ठीक है 2 सेंटीमीटर, ये कितनी मान ली मैंने
ए, ठीक है एज इट इज, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। हाइट कितनी है सभी की? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एच 2 है इंटू में बी, बी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा। इसका एरिया कितना आ गया? ए, ठीक है। पहली का एरिया कितना आ गया? ए। एक ट्रायंगल का एरिया ए है इसका, तो इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? 3 ए। 3 ए किसके बराबर बताया उसे? ए बराबर है 2 ये 2 ये 2 ये परिमाप, ठीक है।